एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 1.5 हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम पे डिपेंड क्वेश्चंस है और यहाँ पे हमने इसको टू पार्ट में बनाया। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो कि हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज करेंगे हम पार्ट टू जिसमें हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मतलब किसी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर के डबल से 4 ज़्यादा है। और आगे क्या दिया है, इफ़ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अगर 6 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं देन द डिनोमिनेटर बिकेम 12 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर। तब जो डिनोमिनेटर होता है वह न्यूमरेटर का कितना टाइम्स हो जाता है, 12 टाइम्स हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन। तो चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो लिखते हैं यहाँ पे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स and the denominator of fraction b y। मतलब न्यूमरेटर हमारा क्या है, x है, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, y है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x upon y। सो देयर फोर द फ्रैक्शन x upon y, ये हमारा फ्रैक्शन है। और ये जो x अपॉन y हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या किया था, जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर के डबल में, डबल से 4 ज़्यादा है। तो फर्स्ट बाय फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन में डिनोमिनेटर क्या है, y, किससे डबल, किससे 4 ज़्यादा है, न्यूमरेटर के डबल से, मतलब 2x + 4, यही है। अब हमें क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें रूल क्या है कि प्लस और जो सॉरी x y जो होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो इक्वल के एक साइड होते हैं और विदाउट वेरिएबल्स एक साइड होते हैं। तो हम इसको यहाँ लेके आएंगे, तो -2x + y = 4। चाहे तो अब इसका सबका मार्क चेंज कर सकते हैं हम लोग, सबका मार्क चेंज कर देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, या तो इसको एज इट इज़ रखते हैं। ये पॉइंट नंबर हमारा 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हमारी मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन में क्या बोला था, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, अगर दोनों में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, 12 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर हो जाता है। अगर x में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, x - 6, अगर y में से करेंगे तो y - 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई सेकेंड कंडीशन डायरेक्टली हम लिखते हैं, बाई सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, y - 6, यह डिनोमिनेटर से 6 माइनस करने के बाद जो नंबर है वह 12 टाइम्स हो जाता है किसका, x - 6 का। सॉल्व करते हैं, y - 6, x का इसमें करेंगे तो 12x, 12 का इसमें 72। अब क्या करना है, हमें x वाले को इस साइड लेके आना पड़ेगा क्योंकि रूल मैंने बता दिया आपको कि x वाला एक साइड होता है। चलिए तो इसको इधर लेके आते हैं, तो -12x + y, और इसको उस साइड भेज देंगे तो -72 + 6, -12x + y = 72 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 66 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस है इसलिए -66। अब यहाँ पे चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, मार्क मैंने बताया था चेंज करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। चेंज करेंगे तो एक फ़ायदा होगा कि यहाँ प्लस में वाई रहेगा, वहाँ पे माइनस में, तो हम ऐड करते हैं डायरेक्टली इक्वेशन आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे सबका मार्क चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस तत्व क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस तत्व तो माइनस, और ये माइनस तत्व क्या हो जाएगा, प्लस। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखना है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 12x है, तो इक्वल हमें करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे 1y है, यहाँ पे भी 1y है, सेम है, दोनों का कोएफिशिएंट 1-1 है, और दोनों के जो मार्क्स हैं अलग अलग, यहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस है, अगर मार्क भी अलग अलग रहता है तो हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट हमारा क्या है, माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, और यहाँ पे है ट्वेल्व एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 66। वाई वाई कैंसिल हो गया, 12x में से 2x जाएगा कितना आएगा 10x, ये माइनस नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70x इज इक्वल टू 70/10। सो x का वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अभी x चाहिए साथ में y भी चाहिए, क्योंकि हमें क्या है फ्रैक्शन निकालना है, तो उसमें दोनों चाहिए। तो x की वैल्यू हम कहीं भी रखते हैं, कहाँ रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, रख देते हैं हम यहाँ पे माइनस टू इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, कितना हो जाएगा माइनस 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 14, सो वाई इज इक्वल टू 18 आ गया। x और y की वैल्यू आ गई, तो फ्रैक्शन निकालना था, डायरेक्टली हमें वैल्यू कहाँ रख देंगे यहाँ पे। सो देयर फोर द फ्रैक्शन इज 7/18, हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया 7/18। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस इन ए ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन, मतलब कि ए टाइप और बी टाइप के बॉक्स हैं जो कि एक ट्रक में रखना है, जिसकी कैपेसिटी कितना है 10 टन है। 1 टन कितना होता है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg होता है, तो 10 टन कितना हो जाएगा, 10 का इंटू 1000 में करेंगे 10,000 kg हो जाएगा, kg में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे है, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप एंड 100 बॉक्सेस ऑफ बी टाइप आर लोडेड इन द ट्रक इट वेवे 10 टन, मतलब कि 150 ए टाइप के और 100 बी टाइप के जब बॉक्स को वहाँ पे ट्रक में प्लेस करते हैं तब उसका वेट टोटल कितना हो जाता है, जितनी कैपेसिटी उतनी होता है, मतलब 10 टन हो जाता है। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ ए आर लोडेड इन द ट्रक इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ बी, मतलब कि जब 260 बॉक्स अगर ए टाइप का अगर वहाँ प्लेस करते हैं तो बी टाइप का कितना बॉक्स केवल प्लेस किया जाता है 40, देन सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड, पूरी तरह लोड हो जाता है, मतलब उसकी पूरी कैपेसिटी कितना है 10 टन की है, तो पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। फाइंड द वेट ऑफ द ईच टाइप ऑफ बॉक्स, मतलब दोनों टाइप के जो बॉक्स हैं उनका हमें क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए टाइप का जो बॉक्स है उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसका वेट है वो एज्यूम कर लेते हैं, और बी टाइप का जो बॉक्स है उसका हम वेट एज्यूम कर लेते हैं। ए टाइप के बॉक्स को ए और बी टाइप के बॉक्स को बी एक्स एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी ए टाइप के बॉक्स को एक्स केजी और बी टाइप के बॉक्स को वाई केजी, क्योंकि हम यहाँ पे केजी में लेने वाले हैं, टन को हम चेंज करने हैं किस में, केजी में करने वाले हैं, तो ये ध्यान देना है कि हम केजी में पूरा आंसर निकालने वाले हैं। चलिए लिखते हैं, लेट द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्सेस बी एक्स केजी, हम पूरा आंसर केजी में निकालने वाले, इसलिए केजी में लिखें, अगर आप टन में निकालते हैं तो टन में भी निकाल सकते हैं। एंड द वेट ऑफ बी टाइप बॉक्सेस बी वाई केजी, ए टाइप के कितने बॉक्स हैं एक्स बॉक्स है, एक्स के जी बॉक्स है, और बी टाइप के कितने हैं वाई के जी बॉक्स है। अब बाय फर्स्ट कंडीशन में कितना बॉक्स बोल रहा था कि 158 ए के जी ए टाइप्स के और बी टाइप्स के 100, और उसकी कैपेसिटी टोटल कितना है 10 टन है, 10 टन को मैंने बता दिया था कितना केजी हो जाएगा 10,000 केजी हो जाएगा। तो कैसे हम लिखेंगे बता रहा हूँ, लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन, अभी ए टाइप के कितने बॉक्स हैं 150 है, तो 150 का x में इंटू कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 150 x kg हो जाएगा, तो 150 x kg प्लस b टाइप का कितना है 100 है, 100 y kg इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 10,000। यहाँ पे एक लाइन हमें लिखना चाहिए था, बिकॉज 1 टन इज इक्वल टू 1,000 kg, हमने इसको kg में कन्वर्ट किया है, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है कि जो ए टाइप के बॉक्स कितने हैं 260 हैं, तो बी टाइप के कितने होते हैं केवल 40 होते हैं, तो इसका भी हमें लिख देते हैं बाई
सेकेंड कंडीशन 260x, मतलब कि ए टाइप के कितने हैं एक्स बॉक्स है, मतलब 260x प्लस बी टाइप के कितने हैं 40 बॉक्स है, मतलब 40y इज इक्वल टू कितना, उसकी कैपेसिटी कितना है 10 टन की है, मतलब 10,000 kg रहेगा। यह इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करना है, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ऐसे यहाँ पे सॉल्व करना है, तो कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 से सबको डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ जैसे 10 होता है तो 10 को 40 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 यहाँ भी है 40 वहाँ भी है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर वन को किससे डिवाइड करते हैं, 10 से। Dividing equation first by 10, चलिए 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे 40y है, यहाँ पे 10y है, अगर इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहाँ दोनों सेम हो जाएगा, तो y कैंसिल करके x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन नंबर किससे, इक्वेशन नंबर थ्री में किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई 4 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 40 है यहाँ पे 10 है, इसको हम चेंज करने के लिए 40 बनाने के लिए 4 से सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई हम पहले 15 में करेंगे, 60x हो जाएगा प्लस 40y इज इक्वल टू 4000, यह पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर आपको सेकेंड और 4 को देखना है, यहाँ पे कितना है 40y, वहाँ पे कितना है 40y, लेकिन दोनों का मार्क सेम है। अगर दोनों का मार्क सेम रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, सबट्रैक करना पड़ता है मार्क चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे 260 बड़ा है और ये 60 छोटा है, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में से हम क्या करेंगे, फोर्थ को माइनस कर देंगे, सबट्रैक कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारी यहाँ पे है 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000, 60x प्लस 40y इज इक्वल टू 4000। सब्ट्रैक करते समय लाइन हमें थोड़ा नीचे मारना है क्योंकि मार्क चेंज करना है, प्लस है तो माइनस होएगा, प्लस है तो माइनस, एक प्लस तो माइनस, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, 260 में से 60 माइनस करें कितना आएगा ओनली 200x इज इक्वल टू, ये हमारा 6000 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 6000 डिवाइड बाई 200, 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30, मतलब जो एक्स वाले एक्स टाइप के जो बॉक्स हैं वह कितने केजी है पर केजी, उनका कितना है 30 है। अभी एक्स की वैल्यू आ गई तो एक्स की वैल्यू हम कहीं भी रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 में कहीं भी रख के निकाल के वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, फर्स्ट में भी रखेंगे तो भी आंसर वही आएगा, तो हम यहाँ थर्ड में रख रहे हैं 15 × 30 प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, मल्टीप्लाई कर देते हैं 450 प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, 10y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसके यहाँ पे प्लस उस तरह का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू 1000 माइनस 450, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 550, ये 10y की वैल्यू, लेकिन हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को निकालने के 10 को यहाँ से भगाना पड़ेगा, 10 के यहाँ पे मल्टीप्लाई उससे तो डिवाइड हो जाएगा, 550 डिवाइड बाई 10, सो y विल बी 55, मतलब b टाइप के जो बॉक्स हैं उनका वेट कितना है 55 kg है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन लिखना है, लास्ट लाइन आप खुद से लिखिएगा, लास्ट लाइन में बता दे रहा हूँ क्या लिखना है, सो देयर फोर, लेट कीजिए हमें देयर फोर लिखेंगे, देयर फोर द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्सेस इज, यहाँ पे कितना एक्स की हमें कितना लिखना है 30, सो द वेट ऑफ द ए टाइप बॉक्सेस इज 30 kg एंड द वेट ऑफ द बी टाइप्स बॉक्सेस इज 55 kg, क्योंकि हमने यहाँ पे kg में किया है तो सारा का सारा आंसर kg में हमें लिखना है, टन में नहीं लिखना है। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, आउट ऑफ
900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, मतलब विशाल टोटल 1900 जो डिस्टेंस है उसमें कुछ जो ट्रेवल करता है वह बस के द्वारा और कुछ जो ट्रेवल करता है एरोप्लेन के द्वारा। बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आर एंड द एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आर। इट टेक्स 5 hours टू कम्प्लीट द जर्नी, मतलब टोटल जो जर्नी है वो कम्प्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 5 hours लगता है। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाई बस, मतलब विशाल को जो बस द्वारा ट्रेवल किया गया वह कितना टाइम लगता है वह हमें, सॉरी कितना डिस्टेंस उसने बस से तो कवर किया है वह हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले बस और पहले जो बस द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया उसको एज्यूम करेंगे और जो दूसरा डिस्टेंस है एरोप्लेन द्वारा उसको कवर करेंगे और टोटल कितना है यहाँ पे डिस्टेंस 1900। चलिए तो लिखते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस x किलोमीटर एंड the distance traveled by aeroplane be y kilometer, मतलब बस से उसने कितना ट्रेवल किया है x किलोमीटर आउट, एरोप्लेन से कितना y किलोमीटर, लेकिन कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है 1900। सो लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन बस द्वारा जो डिस्टेंस है और एरोप्लेन द्वारा डिस्टेंस है टोटल कितना है 1900 है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन वन आ गई है। अब दूसरी क्वेश्चन निकालने के लिए क्या यहाँ पे दिया है, बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आर। बस की जो एवरेज स्पीड है वह कितनी है 60 किलोमीटर है और एरोप्लेन की स्पीड है 700 किलोमीटर पर आर और दोनों कितना टाइम लगता है 5 hours। तो बस के द्वारा जो टाइम लगता है एरोप्लेन के द्वारा जो टाइम है पहले उन दोनों टाइम निकालते हैं और दोनों को जोड़ के क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। चलिए लिखते हैं और इनके यहाँ पे फार्मूला होता है हमें टाइम निकालने के लिए, वो लिख देते हैं। पहले टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा फार्मूला है। टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमें पता है कितना है x है और y है और स्पीड भी हमें पता है तो हम क्या निकाल लेते हैं टाइम। तो टाइम टेकन बाई बस बस कितना बस द्वारा लगा है, डिस्टेंस कितना है x है और स्पीड कितनी है 60 है। तो ये हो गया हमारा बस द्वारा टाइम a क्या है r में। नेक्स्ट टाइम टेकन बाय एरोप्लेन y, क्योंकि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है एरोप्लेन ने y और उसकी स्पीड कितनी थी 700 किलोमीटर पर आर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया टाइम इसको कितना लगा y अपॉन 700 hours और दोनों मिला के कितने आर में इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं 5 hours में, मतलब बाई सेकेंड कंडीशन में यह प्लस यह इज इक्वल टू 5x प्लस 60 y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों यह किसके द्वारा टाइम लगा है बस के द्वारा, एक इसका एरोप्लेन और दोनों कितना टाइम लगाते हैं 5 hours लगाते हैं। अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है, ऐसा सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया कैसे, पहले नीचे नीचे मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे 6 7 जा करते हैं 42 000 3 टाइम 0 हो जाएगा 700 का x में करेंगे 700x प्लस 60 का y में तो 60y इज इक्वल टू 5। अब इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसके यहाँ पे डिवाइड इस तरह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 × 42000 हो गया। अब देखिए सारे नंबर क्या है 10 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है तो आप जिसे चाहे तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम इसको सबको 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 × 4200 हो गया
सबको हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया है। अभी भी ये सब नंबर क्या है, 2 से भी डिविजिबल है। सबको 2 से भी डिवाइड कर देते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 35x प्लस ए वाला 3y इज इक्वल टू 5 इंटू 2100। 35x प्लस 3y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं 10500 आ गया। ये हमारी पॉइंट नंबर इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन अब लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना 1x है, यहाँ पे 35x है। अगर हम इसमें 35 का मल्टीप्लाई करें तो ये भी 35x हो जाएगा। या तो यहाँ पे कितना 1y है और यहाँ पे कितना y है, 3y, तो 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3y हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं y सेम करने के लिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3, 3 से x में करें कितना होगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब ये भी 3y है, ये भी 3y है। अगर दोनों को माइनस कर दें, एक को माइनस, क्योंकि दोनों का मार्क्स सेम है, मार्क्स सेम रहे तो क्या करना पड़ता है, सबट्रैक करना। अगर सबट्रैक करते हैं तो आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किस में से किसको करते हैं, बड़ा यह है तो 3 को हम किस में से, 2 में से करते हैं। इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड, पहले सेकेंड लिखते हैं, 35x 30y इज इक्वल टू 1500 अपॉन 3x 3y इज इक्वल टू 5700। मार्क थोड़ा चेंज करना है, इसे लाइन नीचे मारना है। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। 35x में से 3x जाएगा, कितना आएगा, 32x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4800। x इज इक्वल टू 4800 अपॉन 32, डिवाइड कर देंगे तो इसको हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 150। और यहाँ पे हमें क्या पूछा था, केवल जो ट्रेवल किया गया, तो क्या लिखा था, विशाल ट्रेवल बाई बस, मतलब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस, तो बस द्वारा कितना ट्रेवल किया उसने, 150 किलोमीटर। सो लास्ट नहीं लिखे, सो देयर फोर द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। यहाँ पे एरोप्लेन का नहीं पूछा, अगर एरोप्लेन का पूछते तो हम क्या करते हैं, एक्स की जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में निकाल के वाई की वैल्यू भी फाइंड कर देते हैं। बट यहाँ पे हमें केवल बस की वैल्यू निकालनी, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी थी, जो बस द्वारा ट्रेवल किया डिस्टेंस वह निकालना था। तो बस द्वारा ट्रेवल कितना किया कि उसने, 150 किलोमीटर। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.5 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो कि पार्ट 2 में लिया था पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन करते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि देखिए, पढ़ाई करते समय जब मैथ और इंग्लिश होता है, जब पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत ढेर सारे डाउट्स आते हैं, तो उस समय हम डाउट्स क्लियर करने के लिए कहाँ पे जाएं। अगर आपको स्टडी करते समय, पढ़ाई करते समय अगर कुछ डाउट आता है जैसे मैथ का है, देन आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं और तुरंत हम कोशिश करेंगे तुरंत आपके उस डाउट को क्लियर करें। अगर आप हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन करते हैं तो एक बेनिफिट और है कि आपको जो भी स्टडी है, एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट रहेगा, लगातार मिलते रहेगा हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट या तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड एजुकेशनल टिप्स और वीडियोस के लिए आज ही हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करें।